आज हम हिंदी व्याकरण का काम स्टार्ट करेंगे। हमने अब तक हिंदी रीडर में पार्ट 8 तक कर लिए हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 5 संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा क्या क्या अर्थ होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम, वे शब्द जिनके द्वारा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके द्वारा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, महाभारत, शिव, गीता, गंगा। तो क्या होंगे इसके एग्जांपल? उदाहरण क्या होंगे इसके? महाभारत, शिव, गीता, गंगा आदि। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके उदाहरण क्या होंगे? महात्मा गांधी, अक्षरधाम मंदिर। अब महात्मा गांधी क्या है? व्यक्ति। तो हमें अगर एक ही पर्सन का नाम ले रहे हैं, पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अक्षरधाम मंदिर, अब हम अक्षरधाम मंदिर का नाम लेते हैं तो हमें पता है कि ये एक मंदिर का नाम है और जो हम सब जानते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसके उदाहरण है घर, विद्यालय, पहाड़। देखिए घर, अब घर में अगर हम घर का नाम ले रहे हैं तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के घर का नाम नहीं ले रहे कि हाँ हमें इसके घर में जाना है या उसके घर में, तो यहाँ पर घर है, तो ये सभी घर एक जैसे होते हैं, तो यहाँ पर घर क्या हो जाएगा? जातिवाचक, विद्यालय और पहाड़। भाववाचक संज्ञा, उदाहरण देखिए, आदर, वीरता, बुढ़ापा। अब आदर, हम किसी का आदर कर रहे हैं या फिर हमारे अंदर कोई वीरता है या हमारे किसी को बुढ़ापा आ रहा है, तो ये क्या है? इसके भाव हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा। तो हमने देखा संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब है संज्ञा के अन्य भेद। संज्ञा के अन्य भेद कौन से होते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हिंदी व्याकरण के इसमें संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, परंतु कुछ व्याकरण शास्त्रियों ने अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 अन्य भेद भी बताए हैं। और ये जो 2 भेद हैं, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो संज्ञा का मुख्य भेद है जातिवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत ही ये 2 अन्य भेद आते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। देखिए, पदार्थवाचक संज्ञा में क्या होंगे इसके उदाहरण? सोना, चांदी, दूध, तो ये सब क्या है? ये पदार्थ हैं। समूहवाचक संज्ञा, इसके उदाहरण है कक्षा, सेना, भीड़। अब हमने यहाँ पे पढ़ा संज्ञा का अर्थ क्या है और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के प्रमुख कितने भेद हैं, मुख्य कितने भेद हैं और संज्ञा के अन्य कितने भेद हैं। अब हम इनके जो भेद हैं इनकी परिभाषा को अच्छे से रीड करेंगे, हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद पढ़ेंगे, हमने संज्ञा की परिभाषा देखी थी, समूहवाचक संज्ञा। अब हम इसकी भी डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी, यमुना, भारत आदि। अब देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी एक पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम है, व्यक्ति का नेम है, यमुना नदी का नेम है और भारत एक स्थान का नाम है, हमारे देश का नाम है। तो हमारा ध्यान जब हम भारत बोलते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले वहीं जाता है। महात्मा गांधी जी का नाम बोलते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले, हमें पता है कि महात्मा गांधी एक ही विशेष व्यक्ति का नाम है, तो हमारा ध्यान हमारा वहीं खिंचता है। तो जब हम किसी विशेष वस्तु, प्राणी या स्थान आदि का नाम लेते हैं तो वो होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के नाम का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें क्या है? एक ही जाति के या वर्ग के सभी प्राणी या वस्तुओं अथवा स्थानों के नाम का बोध होता है तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आएंगे?
जैसे है पुस्तक और व्यक्ति आदि। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक या फिर व्यक्ति, अब यहाँ पर व्यक्ति आ गया तो ये हमारा जातिवाचक है, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम आ जाता तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता, ठीक है। तो आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष अवस्था भाव आदि का बोध होता है तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आदर, सुंदरता, खुशी आदि। तो अब यहाँ पे आदर, सुंदरता, खुशी, ये क्या है? किसी व्यक्ति के गुण दोष अवस्था या भावों के बारे में बताया गया है। तो आदर किसी की सुंदरता है तो उसके गुण है, तो खुशी है, कोई किसी को बहुत खुशी फील हो रही है तो क्या है उसका, उसके भाव है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे भाववाचक संज्ञा में। आगे है संज्ञा के अन्य भेद। अब संज्ञा के अन्य कौन कौन से भेद हैं? पदार्थवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का भोग होता है उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी आदि। अब सोना, चांदी, लकड़ी क्या है? ये पदार्थवाचक तो पदार्थ है, तो इनसे हमें क्या बोध हो रहा है? पदार्थ का। तो ये क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, कक्षा, परिवार आदि। अब देखिए सेना, सेना में भी एक लोग तो नहीं होता, आर्मी के जो लोग होते हैं उसमें जो उनकी वो पूरी टुकड़ी होती है, पूरा जो उनका ग्रुप दल होता है सेना का, तो उसमें एक व्यक्ति नहीं होता, उसमें कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिससे सेना बनती है। कक्षा, कक्षा आप कक्षा में बहुत सारे से स्टूडेंट्स होते हो तभी वहाँ पे वो कक्षा होती है। क्लास, क्लास का मतलब क्या है कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो उनसे कक्षा बनती है। आगे है परिवार। परिवार क्या होता है कि परिवार में भी एक व्यक्ति नहीं होता, परिवार क्या है कि कुछ व्यक्ति कुछ लोगों के समूह से परिवार बनता है। परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे मेल करके वो उनको उनके मेल से परिवार बनता है। तो जहाँ पर समूह आ जाता है, व्यक्तियों का समूह आ जाता है, वस्तुओं का समूह आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चे आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने संज्ञा, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का अर्थ, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों के नाम और संज्ञा के भेदों के परिभाषा और उनके उदाहरण के बारे में समझा है। तो आपको ये अच्छे से समझना है और आपको जो बुक में जो लेसन दिया है उसे भी आपने अच्छे से रीड करना है, और जो इसकी आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, जो आपके पाठ में अभ्यास दिया हुआ है उसे भी आपने, उसके क्वेश्चंस जो है वो आपने ढूंढने हैं और करने हैं। ओके, थैंक यू।